राजीव युवा मितान क्लब ग्रुप ए की द्वारा क्लब के गठन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए वार्ड 21 मदर टेरेसा नगर में युवाओं, बच्चों एवं सियान लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा कार्यक्रम करवाए गए, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मेडल सहित प्रमाण पत्र प्राप्त किए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कई उद्देश्यों को लेकर किया है, जिसमें सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना एवं उसका लाभ दिलाना प्रमुख है। साथ ही आज के बच्चे विगत 2 वर्ष से कोरोना काल में घर में कैद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से वह मोबाइल के आदि हो चुके हैं और इन्हें वापस मैदान में लाकर अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने और खुद को स्वच्छ वातावरण में लाकर स्वस्थ रखने के लिए क्रीडा कार्यक्रमों का आयोजन कराना भी है। ऐसा ही कार्यक्रम राजीव युवा मितान क्लब ग्रुप ए के द्वारा निगम भिलाई के वार्ड 31 जैसा नगर में किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए रस्साकसी, मटकी फोड़, बैडमिंटन, चम्मच गोली आदि रोमांचक एवं मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में महिला पुरुष दोनों ही समुदाय के हर उम्र और वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और इन खेलों को पूरे उत्साह पूर्वक खेला और विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी युवा मितान क्लब ग्रुप ए के अध्यक्ष सोहेल अहमद एवं प्रमिला पंडित ने मीडिया को दी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जी किया गया है राजीव मितान योजना, जिसमें बच्चे और यंग पूरे भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और राजीव मितान वार्ड 31 में हो रहा है, इनका अध्यक्ष सोहेल भाई हैं और यहाँ के बहुत खुशी हो रहा है कि इतने भीड़ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे भाग लिए हैं, खुल के खेल रहे हैं, खुल के खेल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जागरूक करने के लिए राजीव मितान योजना लाया गया है और इस राजीव मितान योजना से सबको फायदा है। ज़्यादातर हम भी जिम्मेदार हैं कि हम अपना मोबाइल अधिकतर बच्चों को दे देते हैं और बच्चे दिन भर गेम वगैरह डाउनलोड करके खेलते रहते हैं, हम अब लोग खेल के बारे में उनको नहीं बताते। तो ये हमारा ये पहल है यही कि बच्चों को कम से कम उस मोबाइल से निकाल कर और हम लोग मैदान में खेल के लिए लेकर आएँ। और काफ़ी बच्चे मोहल्ले के यहाँ आए हैं और खेल रहे, उत्साह दिख रहा है, साथ में महिलाओं और बुजुर्गों का दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला है और यही प्रयास हम लोगों का आगे वार्ड में रहेगा कि हम लोग हमेशा करवाते रहें। हाँ, काफ़ी ये कारण है क्योंकि उस टाइम ऐसा माहौल था कि हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे, तो उनको घर में रखने के लिए टीवी और मोबाइल दे देते थे, तो 2 साल बच्चे इसी में ही गुम हो गए। लेकिन अब हम लोग इस दौड़ से निकले हैं तो काफ़ी हम लोग प्रयास रहेगा कि बच्चे ज़्यादातर खेल से जुड़े। और आज राजीव मितान क्लब की तरफ से एक खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें कबड्डी, खो खो, चम्मच और रस्सा खींचाखच्ची और बैडमिंटन का, और इसमें मोहल्लेवासी के जितने भी बच्चे हैं और महिलाएं हैं, सभी लोग आगे से आगे आके हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ कर। और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ की जो सियान सदन की टीम है वो भी उपस्थित है और काफ़ी उत्साह है मोहल्ले में। और आगे भी हम निरंतर इस प्रोग्राम को करते रहेंगे और अभी आने वाले वीक में फिर हम सामाजिक और जागरूकता को लेकर के अभियान भी चलाने वाले। राजीव युवा मितान क्लब का एक ही उद्देश्य, जो आज एक बच्चे लोग मोबाइल की दुनिया में घूम गए, उसको बताने के लिए कि मैदान का खेल जो दूर हो चुके हैं, आज की डेट देखते हैं कि हम मोहल्ले में बच्चे बाहर आके नहीं खेलते, तो आज की डेट में वो बच्चे ये देखे, समझे कि ये खेल होता क्या है, यही एक मैसेज देना चाहते हैं। राजीव युवा मितान क्लब के गठन के बाद से इस क्लब की सभी टीमें क्लब के उद्देश्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफल भी नजर आ रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।